मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में 1,143 करोड़ रूपये की 7 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा मंकेश्वर शरण सिंह भी मौजूद थे। इस मौके पर एसजीपीजीआई में नए पीडियाट्रिक सेंटर का भी उद्घाटन किया गया, जिसके बारे में डॉक्टर्स ने सीएम योगी को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेंटर के शुरू होने से उन बच्चों को इलाज मिलेगा जो जन्म से ही गंभीर बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि एसजीपीजीआई में पेट्रोलियम मंत्रालय के सीएसआर फंड से 51 करोड़ रूपये में रैन बसेरा बनाया जा रहा है। इसमें पार्किंग और कैंटीन की भी सुविधा होगी। 1,000 लोग यहां रात में ठहर सकते हैं और 15 से 20 रूपये में भरपेट भोजन कर सकते हैं। तमाम डिप्लोमा के कोर्सेज भी इसके माध्यम से आगे बढ़ पाएंगे और साथ साथ यहां पर पहले चरण में जो 5,000 बच्चों के ऑपरेशन के द्वारा यहां पर 10,000 बच्चों की दवाइयों और उपचार के लिए यह 200 बेडेड विश्व स्तरीय सुविधा यहां पर इनके माध्यम से फाउंडेशन के माध्यम से यहां पर प्राप्त होगी और एसजीपीजीआई के साथ जुड़ने से गवर्नमेंट को भी इस सहायता को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में गवर्नमेंट और सीएसआर का मद और सामाजिक संस्थाएं एक साथ जुड़ जाएंगे तो उसका लाभ कई गुना बढ़ सकता है और ये हम लोग यहां पे करके दिखाएंगे। मैं श्रीमती मृणालिनी सेठ जी को और सलोनी फाउंडेशन को जिन्होंने अपनी पुत्री की स्मृति में बनाया है, मैं उनको इस बात को आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार उनकी पुत्री की स्मृति को जीवंत बना के रखेगी और इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए जितना भी सहयोग करने की आवश्यकता पड़ेगी राज्य सरकार उसमें शेष सहयोग करेगी। इसके साथ ही यहां पे एक रेन बसेरा का भी आज शिलान्यास होने जा रहा है। रेन बसेरा यहां पर बनेगा जिसमें लगभग 51 करोड़ रुपए की लागत आएगी और यह सीएसआर का ONGC का फंड है, उस निधि का पैसा हम लोग इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। एक खास तौर पर जो पेशेंट यहां पर आते हैं उनके अटेंडेंट के लिए